7 दिन 10 दिन देने में कोई हर्ज नहीं है, ताकि और समय दिया जाए, लेकिन इस चेतावनी के साथ कि अगर और अधिक अर्थदीपा होती थी और आपने जो वादे किए हैं वो तो झूठे वादे साबित होंगे, और झूठे हम नहीं होंगे, झूठे ये वादे करने वाले लोग होंगे, तो ये उग्र प्रदर्शन होगा। उसमें जो राष्ट्रहित में जो है जमीनों का अधिग्रहण होना है उसमें हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन लोगों साथ जो अन्याय हो रहा है उसे उसके ऊपर हमें घोर आपत्ति है, तो इसके लिए हम धरना भी देंगे और उससे आगे बढ़ करके काले झंडे भी दिखाएंगे, पुतले भी फूकेंगे और इनके कार्यक्रमों का ना केवल बहिष्कार करेंगे और बल्कि वहाँ जाके व्यावधान भी पैदा होंगे, लोग उद्घाटन शिलान्यास नहीं होने देंगे। ये हम खुली चेतावनी देना चाहते हैं ताकि ये ना कहें कि हमने कोई आवेश में आके भाव आवेश में आके कोई कदम उठाया है। बार बार चेताना और बार बार वायदा, और लोकतंत्र में लोगों के साथ ये अन्याय है। अरे लोगों को मारोगे तो तंत्र कहाँ चलाओगे, इसीलिए सीधी चेतावनी है। एक बार फिर सरकार से हम जोरदार शब्दों में कहना चाहते हैं, जाग जाइए, समय रहते हैं, अन्यथा पानी सिर से ऊपर निकलेगा तो बाढ़ आएगी। बाढ़ आती तो बाढ़ क्या करती है। मैं पत्रकारों का धन्यवाद करना चाहूँगा, इस आंदोलन में अभी तक जिन जिन महानुभावों ने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हमारा सहयोग किया उन सब। क्या लगता है सर कि मंडी की अगर बात करें तो वहाँ पर सर्कल रेट रिवाइज हुए हैं, एक अच्छा जो सर्कल रेट है वहाँ दिया जा रहा है, लेकिन कुल्लू की बात करें तो क्या कुछ जो है लगता है आपको कहीं ना कहीं इस दिशा में भी जो है आपकी मांगे हैं? जी बिल्कुल सही बात है। वैसे तो इसमें जो है वो मार्केट रेट का प्रावधान है 2013 के कानून में, लेकिन फिर भी एक ही प्रदेश है, एक ही ये प्रोजेक्ट है, ये रोड जो सेंटर का है, NHI जो बना रही है, लेकिन हुआ ये कि मंडी में 200 गुना रेट्स बढ़ाएगी, वो भी आफ्टर 3A के नोटिफिकेशन के बाद। जबकि कुल्लू में राकेश कंवर जो तत्कालीन DC थे उन्होंने 2 लाख रुपए प्रति बिस्वा निर्धारित किया था, पर सर्कल रेट तो अब आ करके अब ये कुल्लू के साथ मनाली की तरफ सटा हुआ इलाका पहला स्टेशन वो है कल्पी मुहान, वहाँ पर 13,000 रुपये बिस्वा है। अब आप देखिए वहाँ उसकी जमीन अधिग्रहण हुई है होनी है तो वो तो परिवार बर्बाद हो जाएगा। और इस प्रकार से ये जो है जो पोषक नहीं है ये विनाशक है। अरे सरकार का काम है लोकतंत्र में ये जनहित के काम करना, ये तो कानून से बाहर जाके बात कर रहे हैं। जबकि नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में 2015 में कहा था कि हम 2013 का कानून बड़े और भी बढ़ा चढ़ा के लागू करेंगे, लोग जनहित में नौकरियां भी देंगे। गडकरी जी बार बार बोल गए तो उसके बावजूद भी, और ये अपने घोषणा पत्र में भी डाला, इन्होंने विधानसभा के अंदर बार भी बात करी और मीडिया भी बनाई है, लेकिन नहीं कर रहे, कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं ये तो ये जाने। अगर इन्होंने नहीं जानना है तो समय आने पर इस प्रदेश की जनता ही बता। सिडा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस पिछले 12 सालों से देश प्रदेश में तकनीकी शिक्षा से लेकर व्यवसायिक कोर्स चलाने के बाद अब सिडा कॉलेज में 4 वर्षीय बी फार्मेसी कोर्स, 3 वर्षीय एग्रीकल्चर डिप्लोमा कोर्स और डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी कोर्स शुरू होने जा रहे हैं। आप भी इन कोर्सेज के जरिए अपना करियर संवार सकते हैं। आपको मिलेगी उच्च स्तरीय लैब, लाइब्रेरी, हाई क्वालिफाइड स्टाफ, अलग हॉस्टल सुविधा के साथ खेल की कई प्रतिस्पर्धाएं एक ही कैंपस में। कृपया संपर्क करें सिडा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, NH 21, सुंदरनगर, नौलखा, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। आप इन नंबर्स पर भी संपर्क कर सकते हैं।